हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम पहला कुछ कोड करेंगे अपने हाथों से। तो सीट थाम के बैठ जाइए। तो आई होप आपने सबने अपनी अपनी फाइल बना ली होगी, पाइथन फाइल। ठीक है, तो उसमें आज हम कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। तो बिना किसी देरी के चले चालू करते हैं। तो हम सीख रहे हैं ना पाइथन लैंग्वेज। पाइथन इज वन ऑफ द इजिएस्ट लैंग्वेज। ठीक है, लर्न सबसे इसका सिंटेक्स आसान होता है। ठीक है, हर चीज़ आसान होती है थोड़ी ना। तो यहाँ हम नीचे अपना आउटपुट देखेंगे और यहाँ हम कोड करेंगे। इसको आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं, एज यू विश। मेरे को तो इतना ही जमता है। ठीक है, इसको ये जो साइड पैनल आ रहा है ना, ये वाला पैनल, इसको अपन यू कर देते हैं तो अपने को थोड़ा सही पड़ेगा ना। विदाउट एनी देरी चलिए चालू करते हैं। तो पाइथन में सबसे बेसिक होता है प्रिंट। ठीक है, प्रिंट क्या करता है बेसिकली? प्रिंट के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो प्रिंट कर देगा। अब आप बोलते प्रिंट, सीधा ही बोल दो प्रिंट दो कर। तो प्रॉब्लम्स में आप यहाँ देख सकते हैं, यही मेरे को विजुअल कोड की अच्छी बात लगती है, प्रॉब्लम सब बता देता है। ठीक है, न्यू लाइन सेमी कॉलन्स, मतलब ठीक है, न्यू लाइन ये सोच रहे हैं, न्यू लाइन बना रहे हैं, पर अपन प्रिंट टू करना चाह रहे हैं। इसको अगर अपन रन करें, इसको अगर अपन रन करते हैं एज कॉमन, ये देगा अपने को एरर। प्रिंट में जो ये वाला सिंटेक्स होता है ना, ये जो ब्रैकेट दिख रहे हैं आपको, बताता हूँ कौन से ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट है कर्ली ब्रैकेट, ये इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे ना वो प्रिंट करके देगा। अब अगर मैं लिखूँ इसके अंदर प्रिंट टू, फिर मैं इसको F5 दबा के रन करूँ, तो एज यू सी यहाँ पर सक्सेसफुली टू प्रिंट होके आ जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये होता है। ठीक है, ये जो इसका सिंटेक्स है। ठीक है, सिंपली प्रिंट लिखना है देन ब्रैकेट लगाना है। अच्छा, अपन ने इंटीजर यानी नंबर का तो प्रिंट कर दिया। अब मैं हेलो किसका नाम रखूँ, हेलो राहुल करके देखता हूँ क्या प्रिंट होगा। लेट्स सी, एस कॉमन ये एरर थ्रो करेगा। आई नो, क्योंकि ये जो अपन ने पहले लिखा था ना वो एक स्ट्रिंग था। स्ट्रिंग मतलब वो एक इंटीजर था। इंटीजर मतलब आप समझते हैं, सब नंबर्स को हम इंटीजर बोलते हैं। और हम जो भी अल्फाबेटिक लिखते हैं, ठीक है, हम जो भी ए बी सी डी लिखते हैं, ये सब पाइथन के अंदर अल्फाबेट्स नहीं स्ट्रिंग कहलाते हैं। तो हमको स्ट्रिंग, कोई सी भी स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, तो हमको ये जो डबल ब्रैकेट है ना ये लगाना पड़ता है। तो हम इससे प्रिंट कर सकते हैं अपने कोई भी अल्फाबेट को। अब जैसे मैं लिखूं हेलो हेलो राहुल, अरे ब्रैकेट के बाहर है, सॉरी, हाँ ब्रैकेट के अंदर लिखना है ना, हेलो राहुल। स्पेलिंग गलत है, ठीक कर देते हैं यार, हेलो राहुल। ओके, तो जैसे अपन ने प्रिंट हेलो राहुल लिखा, अब अपन इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, तो एज कॉमन ये हेलो राहुल प्रिंट कर देगा। एक और बात, व्हाट अगर मैं यहाँ एक और प्रिंट लिखूं, उसमें मैं ब्रैकेट लगाऊं, बोलूं 2+2। ओके, फिर एक और ब्रैकेट, एक और लिखते हैं। ठीक है, प्रिंट 2+2। अब देखो, आप मेरे को कमेंट में बताइए इनमें से इन दोनों का आंसर क्या क्या आएगा। इस लाइन को हटा देते हैं के लिए, इस लाइन को हटा देते हैं। तो आप मेरे को बताइए इनका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या आएगा और इसका आंसर क्या आएगा कमेंट में बताइए। तो अगर हम इसको रन करें, बूम, हमें क्या देखने को मिल रहा है? इंटीजर थे दोनों, 4 मिला। ये दोनों नीचे भी इंटीजर ही थे, आप यूँ ही सोचोगे ना, नीचे भी दोनों 2+2 ही तो लिखा है, स्ट्रिंग के अंदर लिखा है, उससे क्या मतलब, 2+2 तो लिखा है ना। पर नहीं गाइस, पाइथन थोड़ा तेज थे ना, पाइथन थोड़ा तेज है। वो कहता है स्ट्रिंग के अंदर ये जो डबल कॉमा है ना, डबल, इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे ना
वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। कमेंट करो कैसे प्रिंट हो जाएगा, एकदम छापे मार हो जाएगा, छापे मार एकदम ऐसा छाप के रख देगा जैसे क्वेश्चन पेपर छापा हो। ठीक है डन। आइए समझ, स्ट्रिंग के अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो दैट इज नॉट पॉसिबल यार। ठीक है, हमको प्रिंट कराना है, सिंपली हम ऐसे प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज थोड़ा बेसिक्स, प्रिंट फंक्शन क्या होता है। अब हाँ, ये तो था प्रिंट, अपन ने ये कर दिया। अब अगर अपन को पता करना है कौन सी क्लास का है, वो आगे वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं ये प्रिंट क्या है। तो सबसे पहले हमको रिवीजन करते हैं, कंक्लूजन वीडियो का चल रहा है। प्रिंट लिखना पड़ता है किसी भी सेंटेंस, किसी भी आउटपुट के लिए, मतलब कुछ भी अपन को नीचे लिखवाना है आउटपुट में, तो हम इसको प्रिंट लिखेंगे। फिर ये ब्रैकेट, ये चूंकि सिंटेक्स है, ठीक है, दिस इज अ सिंटेक्स। और अगर इसके अंदर अपन इंटीजर लिखेंगे तो ये चलेगा, पर अगर इसके अंदर अपन ऐसे करके इंटीजर लिखेंगे तो भी चलेगा। पर इसके अंदर अगर अपन कुछ कैलकुलेशन करना चाहें स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, तो वो नहीं चल सकता। स्ट्रिंग के अंदर बेसिकली हम अल्फाबेट से डालते हैं। ठीक है, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर बेसिक अल्फाबेट्स डालते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग में भी हमको ब्रैकेट्स तो लगाने हैं, प्रिंट का ही बेसिक सिंटेक्स है। ठीक है, ब्रैकेट, डबल कोट्स तो इसलिए लगते हैं क्योंकि हमें उसको छापे मार लिखना है। ठीक है, अल्फाबेट्स के लिए डबल कोट्स लगते हैं, पर इफ यू वांट टू इंटीजर नंबर्स को क्लासिफाई करना है, जैसे 2 3 4 5 6 7, इसको क्लासिफाई करना था, ब्रैकेट के अंदर लिखो इसको या ना लिखो, दैट कांट मेक सेंस, है ना। दोनों का आउटपुट सेम होगा क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होता है, और हम यहाँ इसको एज इट इज प्रिंट कर रहे, कुछ कैलकुलेशन नहीं कर रहे। पर व्हाट इफ मैं इधर माइनस लगा दूं, तो अगर इसको आउटपुट करेंगे तो 2 - 7 - 1 आंसर आएगा, कॉमन है। पर अगर अपन इधर अपन स्ट्रिंग लगा देना, अरे यार थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, अपन इधर स्ट्रिंग लगा दें तो ये कुछ और प्रिंट करेगा, जैसे हम देखते हैं ना, 2 - 7 हमने पहले करा तो कुछ माइनस में आएगा, और अगर अपन यहाँ करते हैं अभी तो देखो 2 - 7 एज इट इज प्रिंट हो गया, हेलो अदर एज इट इज प्रिंट हो गया। तो कंक्लूजन क्या है, सबसे पहले प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल होता है किसी भी चीज को अपने टर्मिनल, टर्मिनल को आउटपुट भी बोल सकते हैं, तो इसमें प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, और स्ट्रिंग मतलब अल्फाबेटिक होता है, एंड अगर आपको कोई नंबर प्रिंट कराना है, कोई इंटीजर प्रिंट कराना है, तो यू विल सिंपली ये ब्रैकेट हटाना है ना, डबल कोट्स हटाना है, ब्रैकेट ब्रैकेट बोल रहा हूँ बार बार, डबल कोट्स हटा देना है, सिंपल। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक सीखते रहिए। और ये थोड़ा बेसिक्स था, है ना, ये बहुत ज़्यादा काम आएगा तो इसको समझ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्रिंट फंक्शन वैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आई होप आपको पसंद आया, पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल बनाए जाए सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। तो अपन सिंपली अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है ना, तो सी यू नेक्स्ट टाइम, अपन इससे प्रिंट कराते हैं गाइस, फिर वीडियो को एंड करते हैं, यहाँ प्रिंट हो गया, सी यू नेक्स्ट टाइम, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अब हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स करेंगे चीज़ें, आज थोड़ा बेसिक्स में अपने थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे दिया। स्ट्रिंग क्या है, इंटीजर क्या है, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, बाय बाय।